अभी अभी सामने जिला आप पार्टी के जिला संयोजक हैं बांके बिहारी जोशी जी, उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज में सागवान के 8-10 पेड़ लगे थे, उनको बिना अनुमति के काट दिया गया है। इस संबंध में वो आवेदन पत्र दे रहे हैं, आवेदन पत्र जब तथ्य देंगे उस संबंध में फॉरेस्ट विभाग या नगर निगम से जो भी जानकारी लेके फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई की जाएगी। कौन सी धाराएं लगती हैं इसमें? अभी फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही उनकी कार्रवाई की जाएगी जानकारी लेने के बाद में, क्योंकि वन से संबंधित है तो फॉरेस्ट वालों से भी जानकारी लेना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, जो पेड़ खड़े हुए थे इनमें बहुत सारे औषधि के पेड़ थे और सागवान के पेड़ थे। हम पिछले 8 दिन से यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सुबह में कुछ 1-2 पेड़ देखे, धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए और हमें पता चला कि पेड़ों को रात को ट्रॉली में भरकर इन लोगों ने बेचे। लगभग कितने पेड़ काट देंगे? लगभग 30 से 40 पेड़ जो मोटे वाले काटे सागवान के, कम से कम 5 से 10 पेड़ काटे इन लोगों ने। कितने की रेट करते हैं? एक पेड़ 1 लाख रुपए का होता है। तो सागवान का और कौन सा पेड़ थे दूसरे? बबूल के पेड़, बबूल का पेड़ है और पास में, और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी केवल हमें पता नहीं चल पा रहा है। किसकी करामात होगी ये? प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट इसमें, 3 लोग। कौन से इसको, कौन से कॉलेज है? यहाँ का प्रिंसिपल है महेश शर्मा जी। कौन से कॉलेज है ये? आयुर्वेदिक कॉलेज है। आयुर्वेदिक उसी में काटती है जी।